जम्मू के बांदीपुरा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद हो गए, वहीं 2 आतंकी भी मारे गए। फिलहाल सेना का ऑपरेशन जारी है। 1996 में हुए सोनीपत ब्लास्ट में सजा का ऐलान हो चुका है। ब्लास्ट के आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को उम्र कैद की सजा दी गई। सोनीपत की कोर्ट ने यह सजा सुनाई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक सम्मेलन के दौरान संबोधन में जलवायु परिवर्तन को लेकर एक अहम बात कही। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन को देखते हुए पानी का मुद्दा महत्वपूर्ण है। हनीप्रीत को पंचकुला पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने हनीप्रीत की रिमांड को 3 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। बताने के इससे पहले हनीप्रीत को पंचकुला कोर्ट ने 6 दिन की रिमांड दी थी। अमेठी में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान शाह के साथ में सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद रही। बता दें कि जनसभा के दौरान अमेठी में 21 योजनाओं का शुभारंभ हुआ। अमेठी रैली को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा, मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि मैं पार्टी में एक कार्यकर्ता बनकर आई हूं और आज अमेठी की दीदी बन गई। इसके साथ ही राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी अपने ही लोकसभा क्षेत्र की जनता को भूल चुके हैं। अमेठी में जो 60 साल में नहीं हो पाया वो योगी सरकार ने 7 महीने में कर दिखाया। इसके साथ ही सीएम योगी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा, अमेठी के विकास के लिए यूपी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसके साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस लोगों को बुनियादी सुविधाएं देने में भी नाकाम रही। राहुल गांधी को इटली की याद तो आती थी लेकिन अमेठी की याद नहीं आती थी। लखनऊ में सीएम योगी आज करेंगे संकल्प सेवा का शुभारंभ। सीएम अपने आवास से संकल्प सेवा की नई बसों को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। यूपी हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट में 700 करोड़ का घोटाला आया सामने। ये प्रोजेक्ट ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने के लिए बनाया गया है। वर्ल्ड बैंक और केंद्र सरकार ने योजना के लिए 700 करोड़ रुपए दिए थे। 700 करोड़ के बजट में अफसरों ने खूब लूटपाट की। लखनऊ में मंडी परिषद के संयुक्त निदेशक की गाड़ी चोरी होने का मामला सामने आया है। घटना थाना गोमती नगर इलाके की है, जहां थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर गेस्ट हाउस से मंडी परिषद के संयुक्त निदेशक की सरकारी गाड़ी चोरी हो गई। बाराबंकी के दरियाबाद इलाके के नियोली दानापुर गांव में संपत्ति विवाद के चलते देवर ने ही अपनी भाभी की बांके से काटकर निर्मम हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। कन्नौज में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि हादसे में 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आजमगढ़ के सराय मीर में रेलवे की जमीन पर हुए अवैध कब्जे पर रेलवे पुलिस ने बुलडोजर चला दिया। दरअसल यहां लोगों ने कब्जा कर सैकड़ों दुकानें और घर बना लिए थे। बदायूं में एक लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया है। दरअसल पीड़ित लड़की के मां बाप की मौत के बाद उसके मामा ने उसे पाला था, लेकिन जब लड़की बड़ी हुई तो मामा ने उसे घर से निकाल दिया। अपने मामा की तलाश में जब लड़की संभल जिले के बबाला पहुंची तो एक आदमी ने उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। रायबरेली में घर में सरेशाम घुसकर लगभग 17 लाख रुपए पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक शशि शेखर सिंह ने घर से 17 लाख रुपए चोरी होने की घटना को स्वीकारते हुए 1 लाख रुपए बरामद होने की बात भी कही। कासगंज जंक्शन के आउटर पर उस वक्त एक बड़ा हादसा टल गया। जब ट्रेन कासगंज के आउटर पर आई तो ट्रेन को सिग्नल नहीं दिया गया और 9:10 पर जब पैसेंजर कासगंज जंक्शन के लिए पहुंची ही, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, वहीं एक बड़ा हादसा होने से टल गया। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत कन्नौज जिले में स्वच्छता जागरूकता कार्यशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों सहित विभिन्न वर्ग के लोगों ने भाग लिया।